शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भैया, खूबसूरत डाने माँ को कहाँ ले गया है? उनकी जान खतरे में है। उन दोनों को तो मैंने गोदाम की तरफ जाते हुए देखा। चलिए। हाँ हाँ चलो। माँ जी कहाँ है? माँ जी दुर्गा, दुर्गा कमीने, बोल माँ जी, बोल माँ जी कहाँ है? बोल माँ जी कहाँ है? माँ जी कहाँ है? बोल माँ जी कहाँ है? बोल माँ जी कहाँ है? बोल माँ जी कहाँ है? ससुर जी, मैं तो मारू। बोल माँ जी कहाँ है? माँ जी गोदाम में। हाँ दरवाजा खोलो, भैया चेंडा टूटी हुई है। लेकिन दरवाजा कैसे खुलेगा? अब बहुरानी, महेश भैया कब आ रहे हैं बड़ौदा से? आज के लिए कह गए थे सुखलाल काका। अरे हाँ सुनो, कुछ रोटियां बची है, घर ले जाना। शीला, अरे वो सिल्ली बाहर क्या करने गई थी? गाय को रोटी देने गई थी। रोटियां क्या मुफ्त में आती है? तो जानवरों को खिला रही है, मैके में तो टुकड़ों के लाले और यहाँ खैरात बांट रही है। वाह, सुखेल काका रोटी क्यों रखती? तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी बहुरानी, तो चमड़ी उधेर देंगी तुम्हारी। इस घर में तुम्हें जानवर तक को एक निवाला देने का हक नहीं। तुम खा लो बेटे, खा लो। बासी रोटी तो खा ले, कहीं नौकर चाकरों को मत दे देना। ताजी रोटियां शाम के लिए रख दे। नहीं नहीं बहुरानी, खाने की थाली पर से नहीं उठा करते। बासी रोटी का ही एक निवाला खा लो बहुरानी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें मेरी कसम बहुरानी। सुखलाल काका, खाना खा लो। चाबियों का गुच्छा नहीं मिल रहा है, देख तो मैंने खाने खाते वक्त कहाँ रख दिया है।
यहाँ तो कहीं भी नहीं है माँ जी, सब जगह देख लिया। तुम खाना खा लो बहुरानी। चोरी, मैंने तुझे चाबियों का गुच्छा तलाश करने के लिए कहा था ना, खाने की इतनी जल्दी क्या थी? मुझे चाबियां नहीं मिली माँ जी। उठ तो, देखो तेरे पास। मेरे पास चाबियां नहीं है माँ जी। चलो तलाशी दे मुझे। वट नहीं माँ जी, मेरे पास चाबियां। माँ जी ये देखिए, गुच्छा तो आपकी कमर से गिरा है। चुप, तू क्यों बीच में बोलता है? तेरा काम हो गया है तो जा, शाम को जल्दी आ जाना। माँ जी शायद आप गुच्छा कमर में लगाकर भूल गई। चुप, बेशर्म, मुंह खोलती है मेरे सामने। मैं जानती हूँ तेरी नजर हमेशा मेरे चाबियों पर रहती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पति पत्नी को यह बात खटकती है कि यहाँ के सारे बागडोर मेरे हाथ में है। लेकिन याद रख, मेरे ही बदौलत दो टुकड़े खाने को मिलते हैं तुमको। खा खा मर। खाना नहीं खा रही है? दोपहर में भी ठीक से नहीं खाया था, क्या बात है? खाना अच्छा हो तो दोनों वाले खाए भी जाएं। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक सादा रसोई का काम भी नहीं करना आया इसे। अरे इसके लिए तो सिखाने वाला चाहिए। मैंने कैसे तुझे सिखाया है? इसके खानदान में तो सब फालतू भरे हुए। खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं है, किसी चीज का स्वाद ही नहीं है। चल कड़ी डाल। माजी आपको, अरे देख क्या रही है, डाल कढ़ी डाल। इसके हाथ के खाने से तो कभी किसी का पेट नहीं भरा होगा। देख क्या रही है, जा तू यहां से, जा हम लोग बिस्तर लगा। चल बेटी अब ठीक से खा, बहू का सुख तो हमारे नसीब में ही नहीं है। ये अच्छा किया माँ जो तुमने उसे उधर भेज दिया, जब भी सामने रहती है मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता। ले वो चने अच्छे बने हैं दोनों। देती हूँ, वो भी देती हूँ। हाँ तुम्हें हो ना, ले खा। चाहिए? Thank you.
पानी पीकर पेट भरता है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार से खाने को कुछ लेकर आता हूँ। खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। मुझे सचमुच भूख नहीं थी। मन तो मारना ही पड़ता है तुम्हें, अब भूख भी मारना सीख लिया क्या? आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पति का प्यार मिलने से पत्नी में सब कुछ सहने की शक्ति आ जाती है। लेकिन पति में भी तो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अपने पत्नी को अधिकार से खाने के लिए कह सके। मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं है। मैंने कोई भी सुख नहीं दिया तुम्हें। किसने कहा मैं सुखी नहीं हूँ? मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जी तो ये चाहता है कि तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं चले जाऊं, लेकिन पिताजी को मैंने वचन दिया था कि माँ को अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं चुप हूँ। और मेरे साथ तुम्हें भी बहुत से जुम्मे सहने पड़ते हैं। महेश, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? जरा बाजार जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, इधर आ, हिसाब करवा दे, मुझे फुर्सत नहीं मिली। प्रकाश, तुम्हारे कपड़े तैयार है, कहाँ रख दूँ? भाभी, तुम क्यों कर रही हो ये सब? वैसे भी क्या कम काम है तुम्हें? जब से इस घर में आई हो, सिवाय मुसीबतों का क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे भैया जैसे पति और तुम जैसा देवर। भाभी, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। माँ इस कदर जुल्म ढाती है तुम पर, लेकिन तुम जंग में घायल सिपाही की तरह हमेशा मुस्कुराती रहती है। अरे देखना, जिस दिन मैं लेफ्टिनेंट हो गया ना, उस दिन तुम्हें और भैया को अपने साथ ले जाऊंगा। चाचा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे रेलगाड़ी चाहिए। रेलगाड़ी हम अपनी वीना बच्ची को जाते ही भेज देंगे। प्रकाश, तू जा रहा है? हाँ भैया, छुट्टी खत्म हो गई ना, अब ड्यूटी। लड़की देखी? नहीं। क्यों, क्या हुआ? वही बात शीला, लड़की देखने दिखाने से पहले ही हमारी माँ की शोहरत हर जगह पहुंच जाती है। फिर देवर जी की शादी कैसे होगी? भाभी, सब कुछ जानते हुए भी क्यों किसी गरीब लड़की को इस नरक में ढकेलना चाहती हो? क्या मालूम, कोई स्वर्ग बनाने वाली आ जाए। माँ जी तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहती है। नहीं भाभी, वो शादी नहीं कराना चाहती, दहेज चाहती है। कोई भी अच्छे इज्जतदार लोग ऐसी सास के घर लड़की नहीं देंगे। हमारी माँ के जुल्मों के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। करो करो, माँ की बुराई करो। नहीं माँ, ये बात नहीं। तू चुप रह, तुझसे तो कुछ काम होता नहीं। तेरी शादी की तो इस सभागर ने लड़की पैदा करके मेरे सर पर बोझ की गठरी रख दी। छोटे के लिए लड़की तो ढूंढी जाती नहीं है तुझसे। ये काम भी मेरे दामाद लल्ला खुबचंद जी को ही करना पड़ेगा। उन्होंने एक लड़की देखी है, अमीर घराने की है, 50,000 रुपए मिलेंगे दहेज में। लेकिन माँ, कहाँ की लड़की है वो? तुझे क्या मतलब? अरे खोटा पैसा तो फिर भी काम आ जाता है, लेकिन तुम दोनों मेरे लड़के किसी काम के नहीं। लल्ला जी को कितना ख्याल है इस घर का, ऐसा दामाद तो बड़े भाग से मिलता है। काम अपना निकाला
मेरी जग जाने जाए कि चुपचाप तू यूं निशाना लगाए, निशाना लगे और नजर भी न आए, टूटे कोई बिजली तो आवाज आए, कोई कैसे बचे चाल कब क्या चले के पता न चले, कोई तेरा महाचालू है महाचालू है दिल भर मेरा, बड़ा चालू है दिल भर मेरा, सारी रात न जाए सारी रात जगाए, भूल जाए मुझे ही सवेरा, महाचालू है दिल भर मेरा मेरा तो महाचालू है दिल भर मेरा, चालू है दिल भर मेरा। आज बहुत इनायत हो रही है इस गरीब पर, माजरा क्या है? अरे केसर मेरी जान, मैं तुझे केसर से कस्तूरी बनाने का चक्कर चला रहा हूँ। ऐसा लगता है फिर कोई नया तीर छोड़ रहे हो अंधेरे में। अंधेरा? अंधेरे होते हुए? अरे नहीं नहीं, तू तो ऐसी बिजली गिराती है कि हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। देखो ये भूखो, तो आपको आनी चाहिए मैडम, देखिए तो सही दुपट्टा किसने खींचा है। मरीना, अभी सही मरीना मैडम। I'm really very sorry। ठीक है, चलिए बस आ गए, ठीक है। 3554012। सर तेरे की ये भी नहीं लगी, ये लाओ। अरे इसमें तो नंबर ही नहीं है, पैसे की लाइन बड़ी लंबी है, लेकिन ये हाथ किसका है? मेरा तो नहीं हो सकता। अरे सर आप कब आए? कितनी देर से तुझे आवाज दे रहा हूँ, लेकिन तू है कि लॉटरी टिकटों में उलझा हुआ, कोई लगी क्या? जी नहीं सर, बात यह कि आजकल अपनी तकदीर ड्यूटी पे नहीं है, छुट्टी पे गई हुई है। इन टिकटों के साथ साथ तेरी भी छुट्टी हो जाएगी, समझा? कितने खरीदी? 21। बम्पर ड्रा था ना 7 लाख का। 21? तू नहीं सुधरेगा तोताराम, अगर तेरी लॉटरी लग भी गई तो इतने रुपए का करेगा क्या? करूंगा क्या, चट मंगनी और पट ब्याह। अच्छा अच्छा, कोई लड़की मिली भी या इन्हीं में से सिलेक्ट करेगा? नहीं सर, ये सब लड़कियां तो मुझे सिर्फ आधी आधी पसंद है। मैं जिस लड़की से शादी करूंगा ना, उसकी नाक हेमा मालिनी की जैसी होगी, आंखें जीनत अमान की जैसी होगी, होंठ राखी जैसे, मुझे ऑल इन वन लड़की चाहिए। इन सब फरमाइशों के लिए तो तेरी लॉटरी लगना वाकई बहुत जरूरी है तोताराम। यस सर, लेकिन अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल है कि जब तक निशाना लगे नहीं ना, गोलियां चलाते रहो, ठंडा 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 ठंडा, कभी ना कभी तो निशाना लग ही जाएगा। बुढ़ापे से पहले निशाना लग जाए तभी अच्छा है। यस सर, है ना? जी ठीक है। अच्छा मेरी यूनिफॉर्म तैयार है? जी तैयार है जी। कमरा मिले? अच्छा जी, कमरा खुला है ना? जी खुला है। सर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं? जी ये कुछ सूजा हुआ लग रहा है, कहीं दांत में दर्द तो नहीं? नहीं तो क्या मतलब? लगता है किसी ने रॉन्ग सल्यूट मार दिया। तो ताराम ये तुम नहीं समझोगे, ये गलत लाइन में खड़े होने का नतीजा है, समझे? तुम भी लाइन पर आ जाओ और मेरी यूनिफॉर्म लेके कमरे में आओ। जी अंडरस्टैंड? जी गुड।
जो भी कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। आखिर घर की बहू बनाना है, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। लल्ला खूबचंद जी, आपकी परख खोटी हो सकती है भला? लड़की के चेहरे से ही पता चलता है, सुशील है, खानदानी है, सीधी सादी है। क्यों बेटी शोभा, है ना? हाँ माँ, ये बहुत गहराई में जाकर जांच करते हैं। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? वो किस कस्तूरी है। वाह, बड़ा प्यारा नाम है, कस्तूरी। सारा घर महक उठेगा। कस्तूरी, माता जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लो। जीती रहो। लल्ला जी के पांव छुओ। नहीं माता जी, क्या बैठो बेटे। महेश, फार्म पे नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, मैं जाता हूँ। माता जी अब हमें भी आज्ञा दीजिए। माँ लल्ला जी अभी अभी तो आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। नहीं माता जी, इन्हें सही सलामत घर पहुँचाने की जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। मैं तो आने वाला नहीं था, अचानक इनके पिताजी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए इन्हें जल्दी पहुंचाना है। हाँ शोभा, जल्दी तैयारी करो, जाना नहीं, है। शोभा को तो रहने दो, आपके पीछे तो सैकड़ों काम लगे हुए हैं, जब खत्म हो जाए तो इसे आकर ले जाइए। मुझे भला क्या इतराज हो सकता है माता जी, हमेशा के लिए रख लीजिए। मगर माता जी, शादी के बाद बेटी मेहमान हो जाती है महके में। मैं तो ऐसा नहीं मानती लल्ला जी। माता जी मैं क्या कहूँ। कहो ना। नहीं, मैं कहती हूँ कहो ना। नहीं कहो ना। ना कहता हूँ ना। कहते क्यों नहीं? नहीं आखिर क्यों? नहीं बोला ना। क्या बात है लल्ला जी, शोभा कहती है कहो, आप कहते नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। शोभा तू ही बता बेटी, क्या बात है? माँ बात नहीं शोभा। माँ इन्हें 8,000 रुपए सोसाइटी वालों को देने हैं, मैं कहती हूँ माँ से ले लो, लेकिन ये मेरी बात मानते ही नहीं। लल्ला जी मुझसे कहते हुए शर्म कैसे? नहीं माता जी, दूध देने वाली गाय को कितना दुहा जाए, बुरा लगता है। बुरा कैसा? मेरे रहते आप किसी दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाएंगे? माता जी आपको बेकार की तकलीफ देना। तकलीफ भी कैसी? मैं अभी लाती हूँ रुपए। जैसे आपकी मर्जी। वाह कुमारी कस्तूरी देवी, तूने तो कमाल कर दिया, क्या शर्माएगी कोई कुवारी लड़की। अच्छा, मैं देता हूँ ये ले 500 रुपए तेरी नाइट के। चलो जान छुटी उस मुसीबत से, मेरा दिल तो ठाक ठाक कर रहा था। और बुढ़िया का दिल तो खुशी के मारे उछल रहा था। ये तो ठीक है मेरे लल्ला जी, लेकिन दूसरा नाटक कैसे जमेगा? अरे जवानों के सीनों से दिल चुराने वाली तू और चुग जाए। अरे नहीं नहीं, नहीं। बुढ़िया तेरे पीछे पीछे नाचेगी और तू उसकी चाबियों का गुच्छा उड़ाकर तिजोरी साफ कर देना बस। लेकिन मुझे तुम्हारे साले प्रकाश की बीवी बनने का नाटक करना पड़ेगा, ये भी सोचा है? वार सती सावित्री। अरे तू तो सदा स्वागन है, अखंड सौभाग्यवती। उस प्रकाश को भी अंधेरे में डुबा देना, फिर नया दिन नया प्रकाश। सर आपने मुझे बुलाया?
आ प्रकाश, ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम क्या करते हो? जी मैं समझा नहीं सर। मेरे कहने का मतलब है, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ड्यूटी खत्म होने के बाद लड़कियों से मिलने मिलने जाते होगे, प्यार का सिलसिला चलाते होगे। जी नहीं सर, नॉट एट ऑल। आर यू श्योर? श्योर सर। सर आपसे किसी ने शिकायत की है क्या? अरे ये बात नहीं, लेकिन अजीब बात है, तुम लड़कियों से क्यों नहीं मिलते, शर्माते हो? जी नहीं सर। तो डरते हो? जी सर, डर तो लगता है सर। गुड, मैं यही जानना चाहता था। इसका मतलब है तुम्हारा चाल चलन अच्छा है, तुम शरीफ हो। थैंक यू सर। देखो लड़कियों के कॉलेज का मामला है, मैं तुम्हें एक काम की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, डरपोक समझ कर नहीं, शरीफ समझ कर। ये सरला देवी गर्ल्स कॉलेज से इन्विटेशन आया है, वहाँ गरीब लड़कियों की मदद के लिए एक मेला लगा है, तुम वहाँ चले जाओ, ये डोनेशन अकेडमी की तरफ से दे दो और हमारी तरफ से माफी मांग लो कि मैं आ नहीं सका। यस सर। और अपने साथ कुछ अपने जैसे शरीफ कैडेट्स लेते जाना, रौनक रहेगी। यस सर। गुलाल भाड़ी का भाजी पाव आ गया, आइए मेहरबान, चटपटा मसालेदार वाला भाजी पाव खाइए, तबीयत खुश हो जाएगी। रसने का माल सस्ते में मुफ्त के भाव में लगा दिया साहब, आइए आइए मेहरबान। प्रिंसिपल साहब। यस। हमारी अकेडमी की तरफ से शुभकामनाओं सहित ये चेक स्वीकार करें। धन्यवाद। बिना 15 रुपए का निशाना लगा, एक भी नहीं लगा, इतना सूद पे लगा था तो 2% ब्याज मिलता। लख जी लाना था। दुर्गा, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे स्टोर को होने वाला है। वो क्यों? इसलिए कि लोग तुम्हें देखते हैं और निशाना चूक जाता है। अच्छे काम के लिए ये भी अच्छा है। चल जा, जल्दी भाग। मैडम, एक चांस का कितना? 1 रुपी। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हम भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आपका इनाम बड़ा भारी पड़ता। पुरानी बातों को आप भूलते नहीं? चलिए, भूल गए। कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद लग जाए। वैसे फौजी के एक बार गोली लग जाए तो बेचारा क्या निशाना लगाएगा। अरे नहीं लगेगा तो आगे बढ़ो, हमें भी चांस दो बाबा। अरे चाचा, आपकी उम्र निशाना लगाने की नहीं है, समझे? आपका तोहफा उधार रहा। हाँ? हाँ? एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। आपकी कॉफी पी ली और मुझे आपका नाम तक नहीं मालूम। कोई खास बात नहीं, दरअसल हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मेरा मतलब फौजियों के साथ। उनके नाम से कोई नहीं जानता, जानते हैं तो सिर्फ रैंक से। खैर, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। मेरा नाम प्रकाश है, ठीक है? अच्छा है। और तुम्हारा? दुर्गा। ठीक है ना? बहुत अच्छा। और जाना बजाना था अभी। क्या मतलब? मतलब तुम दुर्गा हो और भवानी देवी को मैं बचपन से जानता हूँ। वो कौन है? मेरी माँ है, आजकल मेरी लड़की ढूंढ रही है। चले फिर। मिली कोई लड़की? हाँ मिली, लेकिन मेरी माँ को नहीं, मुझको मिल गई। हाँ
तुम्हारी पसंद को उन्होंने ठुकरा दिया तो इस तूफान को तब भगवान नहीं रोक सकता दुर्गा। दुर्गा तुम तो मेरा साथ दोगी ना? हाँ प्रकाश। नानी को बुलाता हूँ। नानी, ओ नानी, ओ नानी जी। पप्पू क्या बात है बेटा? नानी ये वीना की पट्टी मुझे रेलगाड़ी नहीं देती। क्यों रे, क्यों नहीं देती? नहीं दादी माँ, ये तो मेरी है, मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, दे उसे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। एकदम बिगड़ी हुई बच्ची है। और क्या, माँ ने जो सर पर चढ़ा रखा है। वीना, दे देना बेटी है। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। जिद नहीं करते, पप्पू भी तुम्हारा भाई है ना? मैं नहीं दूंगी, चाचा जी ने मेरे लिए भेजे। दे दो ना बेटी। नहीं, मैं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? मेरे चाचा ने भेजा है। तेरे चाचा ने भेजा है और इसका मामा नहीं है? खबरदार जो कभी फिर हाथ लगाए इसे। बच्ची। पप्पू ले ले बेटा सब। रो मत बेटी, हम तेरे लिए रेलगाड़ी ले आएंगे। मैं कुछ नहीं लाती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? दादी माँ तुम्हें पैसे भी नहीं देती है, पिताजी भी उनसे पैसे मांगते हैं। रो मत माँ, मैं अभी कभी जिद नहीं करूंगी, उस रेलगाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। थैंक यू। हेलो गुप्ता। हेलो सुना। हेलो, आज बहुत दिनों के बाद क्लब में देख रहा हूँ। भाई घर में बीवी है, तुम्हारी तरह कुमारा तो नहीं हो कि बीवी की तलाश में क्लब में चक्कर मारता फिरूं। मिली कोई? मिलती तो बहुत है लेकिन कोई खूबसूरत नजर नहीं आती। ऐसा बता, ऐसी कौन सी जगह जहाँ हर लड़की खूबसूरत लगती है? मालूम नहीं। अंधेरे में। मगर इस उजाले में भी एक बहुत खूबसूरत लड़की क्लब में आई हुई है। कौन? तुम्हारी लड़की दुर्गा ही हुई क्या? हाँ, कैडी प्रकाश के साथ बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा मजाक रहेगा। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, लो चेरी खाओ। नहीं बाबा, चाय पिए ना। खाओ ना। अरे सर्दी गर्मी हो जाएगी। मेरे लिए। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। इनकी तारीफ आप है? जी मैं, जी ये दुर्गा है। नहीं गुप्ता। नमस्ते। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए। तुम्हारे रिश्तेदार है? जी मैं। बोलो भाई। रिश्ता तो नहीं सर, अभी तो सिर्फ फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड। यानी एक दूसरे को चाहते हो? यस सर। नहीं नहीं सर, से क्या छुपाना? अजीब बात है, तुमने तो कहा था तुम लड़कियों से डरते हो। जी कहा तो था। अब डर निकल गया? डर तो आप बैठी रही है ना, आप बैठी रही है। कब से जानते हो एक दूसरे को? जी वो आप जरा चुप रहिए, मैं प्रकाश से बात कर रहा हूँ। हाँ तो कितने दिनों से जान रहे हो? जी सब कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, यही कुछ 10-11 दिन। नहीं नहीं उतने दिन नहीं हुए। कितने भी दिन हुए हो कि आपके माँ बाप को मालूम है किन दिनों आप प्रकाश से मिल रही हैं? जी नहीं बिल्कुल। क्या नहीं जानते? आप शरीफ लड़की है ना? सब जी। तो ये कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए था कि नहीं आपको? जी। लेकिन सर तुम चुप रहो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। यस सर। इस वक्त आप घर जाइए, मुझे प्रकाश से बात करनी है। पर प्लीज गो होम। मैं दुर्गा। तो तुम लड़कियों को ड्यूटी पर लग गए, काम कैसे करोगे? नहीं सर ये बात नहीं है। बिल्कुल यही बात है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। कल इसका फैसला होगा, घर पर मेरे 10 बजे रिपोर्ट करो कल। ओके? ओके सर। ओके सलाम। ओके सर। गुड इवनिंग सर।
सर आप कहीं देवदास फिल्म देखकर तो नहीं आ रहे? आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, वो चमक ही नहीं जो इस जूते में। मेरा मतलब है कुछ दिनों से तो आप बड़े रोमांटिक मूड में थे। तुताराम इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, पहले वादा करती है और फिर एकदम बदल जाती है। कर्नल साहब के सामने साफ मना कर दिया कि हम एक दूसरे से मिलते भी रहे। कर्नल साहब ने कहा तो उसका फॉर्म चल दी। कर्नल साहब को भी पता लग गया, तू तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। इसलिए सर मैं तस्वीरों से ही दिल बहला लेता हूँ, आपके कमरे में भी लगा देता हूँ, ये लड़कियों की झंझट ही खत्म हो जाए। तुताराम तुम तो चाह ही रहे हो कि मेरा कोर्ट मार्शल हो। वैसे ही कर्नल साहब ने कल मुझे घर पर बुलाया है। घर पे बुलाया है? बैड साइन सर, बैड साइन, बहुत बुरी खबर है। एक दफा उन्होंने कैप्टन डिसूजा को घर पे बुलाया था। 7 दिन तक कैप्टन डिसूजा राइफल सर पे उठाए परेड ग्राउंड के चक्कर मारते रहे, और कैप्टन नानावटी की तो उन्होंने मुझे कल रिपोर्ट करना है, मुझे सोने दो। आपको नींद आ जाएगी सर। ऐसे गेट आउट, बेस्ट ऑफ लक सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। जी नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक क्या, बैठो। सुमित्रा यह प्रकाश हमारे एकेडमी का सीनियर कैडेट, और आजकल मिलिट्री ड्यूटी के साथ साथ लड़के को ड्यूटी पर लगा हुआ है। बैठे रहो, बैठे रहो। क्या तुमने कल कहा नहीं था कि तुम, क्या उस लड़के का नाम बताया था मैंने? दुर्गा। दुर्गा को चाहते हो? जी वो कहा था, लेकिन लेकिन सर वैसे ही ऐसे ही वैसे ही वैसे ही। तो तुम दुर्गा को नहीं चाहते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, वो तो ऐसे ही, फिर ऐसे ही ऐसे। पर दुर्गा कह रही थी कि तुम उसे चाहते हो। दुर्गा वो फिर आपको मिली थी क्या? मिली थी क्या, वो तो रोज मिलती है। जी अभी भी यही है? नो सर। यस यस दुर्गा। हाँ दुर्गा, प्रकाश आया है। हेलो। बैठे रहो, बैठे रहो। यस सर। हेलो। इस लड़की को तो जानते हो? जी जानता हूँ। जानते हो उसके माँ बाप कौन है? जी नहीं सर। मैं हूँ उसका बाप और ये है माँ। नो सर। नो, हमारी बेटी है ना? जी। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। सर इसका मतलब तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं सर। तुम्हें जानना चाहिए। आई मस्ट नो सर। तुम जानते हो अच्छी पेंटिंग करती है? ये सर। कैसे, तुमने इसकी पेंटिंग देखी है? नहीं सर। फिर कैसे जानते हो? बेटे जाओ उसे पेंटिंग दिखाओ। पेंटिंग देखने की क्या 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 जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, हम अकेले में बात करना चाहते हैं, जाओ। थैंक यू सर। आई एम सॉरी सर। कैसा लगा लड़का? बहुत भूला है, लेकिन आप तो उसके पीछे पड़ गए। वो तो मेरी आदत ही है, अपनी दुर्गा के लिए कैसा रहेगा? अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बड़ा होनहार है, बहुत तरक्की करेगा। अच्छा। क्या हुआ प्रकाश? पापा? बेबी, कर्नल साहब को ना बुलाओ, पहले से उन्होंने अपनी छुट्टी कर रखी है। तुम मेरे पापा से इतना डरते क्यों हो? वो तो यूं ही मजाक करते हैं। पापा होंगे तुम्हारे, लेकिन मेरे तो बॉस हैं, और मेरे बॉस का हुक्म है कि तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ जान लेना चाहिए। बड़ी देर से पेंटिंग दिखाई जा रही है, चलो देखे क्या कर रहे हैं। ओहो, आप तो फिर पीछे पड़ गए, जाने दीजिए। चाय बनाओ। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो। अरे मंदिर और तुम्हारे कमरे में क्यों? नहीं, मेरा मतलब पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां पूजा वूजा कहाँ करती हैं? मैं करती हूँ, बहुत शांति मिलती है। आपने उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता किया? एकेडमी में इसका पूरा रिकॉर्ड है, जमींदारी है, बाप नहीं है माँ है, बड़ा भाई भाभी बहन खाते पीते लोग हैं। तो फिर क्या सोचना, जाके उसकी माँ से रिश्ता छेड़ दीजिए। मैं भी यही सोच रहा था। ए, ये दुल्हन किसकी है? ऐसे ही ख्याल आया, बना दी। एक दुल्हन तुमने बनाई है, एक दुल्हन मैं बनाना चाहता हूँ।
सारा जहां कुछ भी नहीं, हाथों में जो तेरा हाथ आ गया। दिल में रहे एक भी धड़कन, जब तक आंखों में रहे एक भी सपना, भवानी देवी यहीं रहती है जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कर्नल गुप्ता, मैं बंबई से आया हूँ। आइए आइए पधारिए, आइए आइए विराजिए, मैं मालकिन को खबर करता हूँ। धन्यवाद। जब तक दहेज के 3000 रुपए नहीं मिल जाते, मैं शीला को मैके नहीं भेजूंगी। माँ जी, मुझे अपने भाई की शादी में होने दीजिए, अगर कभी जाने का अलग हाथ कह दिया ना। नहीं माँ जी, रोमन मत बच्ची, रोमन। बस कर गए रोना धोना और जान दर। और तुम सुनो, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं जाती हूँ। बस कर, बस कर ये नाटक, जान दर जान। Oh,
चलिए आइए। मालकिन, ये आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। धन्यवाद। ये मेरी लड़की है, कहिए क्या काम है? जी, मेरा नाम है कर्नल गुप्ता, मैं बंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, हमारा प्रकाश भी बंबई में है, मिलिट्री में ट्रेनिंग ले रहा है। जी, मैं जानता हूँ, बड़ा होनहार लड़का है, उसी के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। क्या मतलब? देखिये, मेरी बेटी दुर्गा बीए फाइनल ईयर में है, प्रकाश उसे अच्छी तरह जानता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैं चाहता हूँ उन दोनों की पसंद रिश्ते में बदल जाए। अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लें तो मैं अपने को बड़ा भगवान समझूंगा। मैं अपनी बेटी के फोटो लाया हूँ अपने साथ, ये देखिए। देखा माँ, नाचना भी जानती है। जी हाँ, बहुत अच्छा नाचती है, बड़े शौक से सीखा उसने। फिर तो गाना भी सीखा होगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती है। और क्या क्या सीखा है? जी बड़े लोगों के लड़कों को फांसने की कला भी सीखी होगी। जी मैं समझा नहीं। हमारा लड़का अमीर है पर सीधा साधा है, उसको बहका कर उसके दौलत पर अधिकार करना चाहते हैं आप? दहेज देने की ताकत तो आप में होगी नहीं। देखिए, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, इज्जत की नौकरी करता हूँ, इसलिए दहेज देने की हैसियत मुझ में नहीं है, लेकिन मेरी लड़की घरेलू है और शरीफ भी। शरीफ? पाँव में घुंघरू बांध के नाचने वाली लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। भवानी देवी, आप मेरा और मेरे बेटे का अपमान कर रही हैं। बड़ी भूल हुई जो मैं इस घर में रिश्ता लेकर आया। हमने क्या हाथी घोड़े भिजवाए थे आपको बुलवाने के लिए? जी नहीं, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि आपकी जुबान इतनी लंबी है तो मैं इस घर में कभी नहीं आता। लड़की को हजारों के सामने नचवाते हो और मेरी जुबान की बात करते हो? भवानी देवी, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छे घर तबाह करने से तो बेहतर है उसे किसी नौटंकी में भर्ती करवा दीजिए। अपनी बेटी का क्या करना हो मैं खुद समझता हूँ, लेकिन आप जैसी सास के घर की चौखट पर मेरी बेटी कभी कदम नहीं रखेगी, समझ गई आप? मुझे लगता है कहीं प्रकाश उस लड़की के जाल में न फंस जाए, जल्दी से उसकी शादी करवा देनी चाहिए। कल ही सुखलाल को भेजकर उसको बुलवा लेती हूँ। वहाँ 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 मैं जा सकता हूँ? मेरे अंदर चले जाइए। अरे अरे, जूते रहने दीजिए, यहाँ जूता चलता है, इसे अपना ही रेजिमेंट समझिए। वहाँ बैठिए ना आराम से। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई शायद। आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे ये ढेर सारी नारियों की तस्वीरें जो लगा रखी हैं, जैसे गन्ने की दुकान पे लगी होती हैं। क्या करूं दुखलाल जी, मेरा मतलब है सुखलाल जी, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। हाँ, इन तस्वीरों को देखते रहता हूँ, आंखें थक जाती है तो थोड़ी सी नींद आ जाती है। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी तो करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की नहीं मिलती। अरे तुम जैसे हट्टे कट्टे नौजवान को लड़कियों की क्या कमी है? नहीं नहीं, ऐसी लड़कियाँ तो बहुत है, लेकिन मुझे एक स्पेशल टाइप की लड़की चाहिए। अच्छा? जिसकी आंखें हो जीनत अमान की जैसी, नाक हो हेमा मालिनी जैसा, होंठ हो राखी जैसे। सब कुछ पूछा मगर तुम्हारा नाम तो पूछना रही क्या? जी हाँ, वो तो रह गया, मेरा नाम तोताराम इकलौताराम पंची। तो बन गई जोड़ी। जोड़ी? कैसी जोड़ी? तुम्हारा नाम तोताराम और मेरी बेटी का नाम है मैना, उसकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। अरे तो आपने अभी तक बताया क्यों नहीं है? मैं अभी आया। इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हो भाई? इसमें तकलीफ किस बात की, आर्मी कैंटीन में बड़ी सस्ती मिलती है। खाइए खाइए खाइए। कैसी है? अच्छी, तीखी,
जी मैं पूछ रहा था लड़की कैसी है? लड़की जी? ओ मैना। जी जी मैना। गांव की है पर बड़ी खूबसूरत, और घर का काम काज करने में तो शेरनी है शेरनी। आंखें कैसी है? आंखें ऐसी जीरा तमान जैसी। बिल्कुल वेरी गुड। और नाक? नाक नाक समझ लो ऐसा, हेमा मालिनी ऐसा। वाह वाह। और होंठ? होंठ ऐसे। आहा, रागी जैसे हो। छोड़ो ना, गांव चलकर खुद ही देख लो ना। अब देखने की क्या जरूरत है फादर इन लॉ, जब आपको देख लिया है तो समझो लड़की को देख ही लिया है। आप जरा वैसे ही बैठे रहिए, वैसे ही। हाँ ठीक ऐसे। मगर ये प्लेट हाथ में ही रखू? हाँ हाथी में पकड़े रखी। हिलिए नहीं हिलिए नहीं। मेरी फोटो खींच रहे हो क्या? क्लिक, खींच ली खींच ली। बस अब तो ये सारी तस्वीरें उतार कर आप ही की तस्वीर लगाऊंगा और सुबह शाम पूजा करूंगा। बड़े शरीफ और खानदानी दिखते हो, कभी हमारे गांव का भी चक्कर लगाओ ना। लगाऊंगा लगाऊंगा जरूर लगाऊंगा। आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि प्रकाश बाबू की वजह से हम दोनों नजदीक आ गए। जी चाबी लाना। चलिए चलिए सुखलाल काका बैठो। आज अचानक कैसे आना हुआ? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये लड्डू खाओ, शीला बिटिया ने खास तुम्हारे लिए भेजे। अरे आज कितने दिनों के बाद भाभी के हाथ का खाने को मिल रहा है, बेचारी भाभी। काका ये भाभी ने भेजे कैसे? अब ये तो वो ही जाने। खैर माँ जी ने तुम्हें बुलाया है, उनकी चिट्ठी तो तुम्हें मिली होगी। समझ गया काका। काका जिस लड़की से मुझे शादी करनी नहीं उसे देखने से क्या फायदा? क्यों यहाँ कोई देख लिया क्या? हाँ काका। लड़की अच्छे घराने की है ना? अरे काका अपने कर्नल कर्नल गुप्ता है ना, उनकी लड़की है दुर्गा। कर्नल गुप्ता? कर्नल गुप्ता का ना? हाँ। क्यों क्या बात है काका? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? ये हाथ का लड्डू खा लो बेटा, मैं बाद में बताता हूँ। बड़ी अनहोनी हो गई। क्या? कर्नल साहब आए थे रिश्ता लेकर, परमा जी ने उनका बड़ा अपमान किया, चाय तक के लिए नहीं पूछा उन्हें। चाय? चाय की तकलीफ क्यों उठाई तोताराम जी? जी अपने आदमी के लिए तकलीफ किस बात की है ना सर। आप लीजिए, ये लीजिए सर चाय। काका हमें फौरन कर्नल साहब के घर चलना चाहिए, माँ ने उनका अपमान किया है, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ चलो। अरे चाचा चले गए, तोता मैना की कहानी याद रखना। नहीं नहीं प्रकाश अब ये नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ ने हमारे साथ जो सलूक किया उसे हम कभी भूल नहीं सकते। That was most insulting. अगर उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था तो मना कर दिया होता, अपमान करने की क्या जरूरत। बिल्कुल उनके इस बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर भी हम इस शादी की इजाजत नहीं दे सकते। जो सास अपनी बहू के साथ जानवर से भी बदतर सलूक करती है उस सास के हाथ में अपनी बेटी की जिंदगी नहीं सौंप सकते। दुर्गा के भविष्य की चिंता उसके सुख दुख की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ सर। लेकिन तुम? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दुर्गा को अपनी सास के घर में कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे सर? आप तो जानते ही हैं थोड़े ही दिनों में मैं अफसर बनने वाला हूँ, अच्छी नौकरी, रहने को घर, इज्जत, सभी कुछ तो होगा हमारे पास, हम यहीं रहेंगे सर। तुम्हारे कहने का मतलब है अपनी माँ के घर में नहीं रहोगे? जी नहीं सर, मुझे अपनी माँ की दौलत का कोई लोभ नहीं, इस बात को दुर्गा अच्छी तरह से जानती है। बेटी दुर्गा ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है, कुछ भी फैसला करने से पहले मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। पापा मुझे कुछ नहीं छुपा है, मैं इनके साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। अब तो बिटिया ने भी कह दिया साहब, मंजूरी दे दीजिए। देखिए ना कैसी राम सीता जैसी जोड़ी लग रही है। जब दुर्गा को उस घर में जाना ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, प्रकाश में तो कोई दोष नहीं। ठीक है तो फिर हम आज ही मुहूर्त निकलवाते हैं। आओ सुमित्रा इन्हें आशीर्वाद दो। सुखी रहो। ठीक रहो। आओ दुर्गा। ये क्या बेटे? सुखलाल काका
बेटा भी कहते हो, आशीर्वाद नहीं दोगे? भगवान ये जोड़ी सदा बनाए रखे। कर्नल गुप्ता की सुपुत्री दुर्गा के साथ प्रकाश हाँ? प्रकाश चंद्र चौधरी। क्यों, क्या बात है? अखबार क्यों हाथ से गिर गया? कोई बुरी खबर है क्या? अरे मेरी महकती केसर, हर बुराई में से भलाई निकल आती है। ले पढ़। इसका मतलब तुम्हारे नाटक का पर्दा उठने से पहले ही तुम्हारे साले ने स्टेज उखाड़ कर फेंक दिया। केसर अब नाटक की जरूरत ही रही नहीं। क्या मतलब? बताता हूँ, बैठ इधर। प्रकाश ने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ शादी की है। अब उस घर में वो पैर भी नहीं रख सकता और मेरा पैर वहां से उखड़ नहीं सकता। केसर वो बुढ़िया अब उसका मुंह भी नहीं देखेगी। मैं उस कमबख्त का मुंह भी नहीं देखूंगी। मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया उसने, उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? जिसके बाप को तुमने घर से निकाल दिया था उसी की बेटी से शादी कर ली। तब तो मालकिन छोटी बहू आने वाली होंगी। नहीं, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। वो दोनों यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। मेरा नाम भी भवानी है। आ रही हूँ, जरा भी सब्र नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, मुबारक। किस बात की मुबारकबाद? अरे तुम्हें क्या हुआ मुझे? पहले मुंह मीठा करा फिर बताऊं। बताओ ना प्लीज। पहले मुंह मीठा कराओ। पहले बताओ। पहले मुंह मीठा कराओ। पहले बताओ। पहले मुंह मीठा करने दो। पहले बताओ। आप बताओ। बता दो। अरे तुम BMA फर्स्ट क्लास आई हो ऑनर्स के साथ। यस। भैंस तेरे की। कौन आ गया इस वक्त? किसकी चिट्ठी है? शायद भैया की है। प्रिय प्रकाश, माँ की मर्जी के खिलाफ शादी करके तुमने अच्छा ही किया। तुम्हारे सर पे सेहरा देखने की मेरी और तुम्हारी भाभी की इच्छा माँ के गुस्से के नीचे दबकर ही रह गई। तुम तो हमारी मजबूरी अच्छी तरह से जानते हो। बस यही एक कामना है, तुम्हारे पत्नी को इस घर के दुख दर्द की आंच तक न पहुंच जाए। सुखी रहो। साथ में वीना की भी चिट्ठी है। क्या बात है? मेरे चाचा जी, दादी मुझे बहुत मारती है। तुमने जो रेलगाड़ी बेची थी ना, मुझसे छीनकर पप्पू को दे दी। मेरी वजह से तुम अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं। वो सब तुम्हें मिलना चाहते हैं। क्यों ना हम एक बार घर हो आए? किस लिए? माँ की गालियां सुनने के लिए? उनके जुल्म सहने के लिए? कुछ भी हो, वो माँ है, उनके भी सीने में हृदय है। दुर्गा तुम्हें नहीं मालूम भैया भाभी पर कितने जुल्म हो रहे हैं। बेचारी वीना के बचपन को किस बेरहमी से कुचला जा रहा है। तुम्हें माँ का प्यार मिला है ना, लेकिन मेरी माँ में वो प्यार नहीं है। हमारे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वहां की हर चीज पराई हो चुकी है। तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ।
फोटो खींच रहा था। सच सच बता, मेरे ही खींच रहा था ना? अरे घर तो छोड़, बता तो। हाँ बता बता, जल्दी बता। वो क्या है कि कैमरा में मेरे को पहले दो भैंसे दिखाई दी और पास आने पे एक ही दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, क्या मुझे भैंस पता नहीं? मुझे भैंस बोलता है, बोल। नहीं नहीं, तू तो जीनत अमान, हेमा मालिनी, राखी, सब कुछ अच्छा? है। लेकिन गला तो छोड़ो प्लीज। तेरे बाप की कहीं क्या राशन की दुकान है क्या? नहीं तो, वो तो हवेली में काम करते हैं। हवेली में? तो तू सुखलाल जी को जानती है? अरे वही तो मेरे बापू हैं। सुखलाल जी तेरे बापू हैं? कहीं तुम्हारा नाम मैना तो नहीं? हाँ हाँ, मैं मैना हूँ। मैना हूँ। और तुम? मैं तोता राम। हाय राम, तुम तोता, मैं मैना। जरा उठ जाओ, तू आए चाहे ना। प्लीज, मेरी टांगे मच गया। नहीं, मैं भारी तो नहीं? नहीं नहीं, आप भारी है और मैं आभारी हूँ। मेरी फोटो नहीं लोगे? जरूर लूंगा, जरा सांस ले लूं और हाथ ठीक कर लूं। जरा हंसिए। क्या हुआ जी? जरा नाजुक हंसी हंसिए ना, 100 ग्राम वाली नहीं, 15 ग्राम वाली। तो ऐसे कहो ना। हाँ ये करेक्ट है, पकड़ के रखिए हंसी को। तोता राम जी, आप कब आए? जी मैं अभी तक आया का हूँ, मैं तो अभी तक रास्ते में हूँ। और आते ही तोता को मैना मिल गई। जी शादी से पहले ही फोटो खींचने शुरू कर दिए। नहीं, नहीं। मैना बेटी, तुम मेहमान को दूध लस्सी पिलाओ, मैं हवेली तक होके आता हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? चलो खातिर करती हूं। अच्छी तरह खातिर कर रहा है। एक प्लेट भजियाला, एक प्लेट उसला, कोने के टेबल में पानी दे, छोकरा जल्दी। इधर आओ। क्या बात है साहब, ये हलवा घी में बना या घासलेट में? कमाल कर दिया आपने तो साहब, आजकल घी और घासलेट मिलता ही कहाँ है, कुछ भी समझ कर खा लीजिए। दो शक्कर कम स्पेशल बना दो। आधा किलो हलवा देना। आधा किलो हलवा जरा पैक करके देना। आधा किलो हलवा, एक और मुर्गा फंस गया। पिताजी, ऐसी आपकी कृपा होती रहे और मैं माता जी की सेवा करता रहूं। अरे आप कब आए लल्ला जी? पायल, अरे ये क्या कर रहे हैं? आपके आशीर्वाद से सोप फैक्ट्री के लिए जमीन की मंजूरी मिल गई। अच्छा अच्छा, इसलिए सत्यनारायण की कथा भी करवा डाली। बहुत अच्छा, भगवान के काम में देर करना तो अच्छा नहीं। हाँ। प्रसाद लीजिए। लल्ला जी, आपके जैसा दामाद तो बड़े भाग्य से मिलता है। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? शीला जी, सत्यनारायण का प्रसाद लो। और ले लो। अरे सुखलाल, प्रसाद तुम भी लो, लोगों को बांट दो। लाइए लाइए जमाई बाबू, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। चलता है। क्या है माता जी? हाँ? मन्नत मांगी थी। हाँ? कि ये काम पूरा हो जाए। हाँ? तो देवी को सोने के कंगन चढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा, काम तो पूरा हो गया। हाँ? अब ये कहाँ चले गए? अरे शोभा, शोभा आपका भाई। वो छोड़, जरा कंगन तो उतार के दे। ये क्या लल्ला जी, मैके में माँ के सामने उसकी बेटी के कंगन उतरवाएंगे? नहीं माता जी, चढ़ावा देना तो पड़ेगा ही। चलो। अरे तू ठहर। सिल्ली, अरे वो सिल्ली। जी माँ जी। इधर आ, ये कंगन तो उतार। जी देख क्या रही है, कंगन उतार के लल्ला जी को दे, देवी को चढ़ाएंगे। नहीं नहीं माता जी, शीला जी के कंगन क्यों? क्यों, ये क्या साथ लेकर जाएगी? ला लीजिए। कोई है? मैंने कहा कोई। कौन चाहिए? आ, आ,
जी वो मेरे ससुर जी, मेरा मतलब है सुखलाल जी हैं। सुखलाल तुम्हें कोई मिलने आए हैं? थैंक यू। ओ तोताराम जी, ये जो साहब थे जिन्होंने आपको बुलाया, ये कौन है? इस घर के जमाई है। जमाई? सत्यनारायण का प्रसाद बांट रहे हैं, लो तुम भी खा। ये सत्यनारायण का नहीं, नारायण होटल का घासलेट छाप हलवा है। मैंने अपनी आंखों से इस सज्जन को ये हलवा खरीदते देखा है। बड़ा बदमाश जमाई है। छी 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 छी, हद हो गई। इसका मतलब ये सारा प्रसाद का नाटक बहुरानी के कंगन उतरवाने के लिए था। इस तरह तो ये सारा घर लूट लेगा। नहीं नहीं, मुझे शहर जाकर प्रकाश बाबू को सब बताना होगा, सब बताना होगा। होटल के हलवे को सत्यनारायण का प्रसाद बोल के बांटा गया? छी छी छी। इतना ही नहीं, बहुरानी के हाथ की चूड़ियां उतरवा ली। कहने लगे मन्नत मांगी है, चढ़ावा देना है। ऐसी सास मिलने पर चूड़ियां क्या काका? वो तो घर भी बिकवा देगा और हमारी माँ से भी नहीं समझेगी। ऐसे दामाद की तारीफ हो रही है और घर के बहु बेटे को चैन की रोटी भी नसीब नहीं। बेचारी वीना को खेलने को खिलौना नहीं। और ये श्रीमान जब भी तशरीफ लाते हैं 8-10 हजार का माल लिए बगैर जाते ही नहीं। लेकिन तुम्हारे भैया और शीला बहन कुछ बोलते क्यों नहीं? दुर्गा, तुम हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पिताजी बड़े ही सूरमा आदमी थे, लेकिन जो भी दबदबा था घर के बाहर, घर के अंदर माँ की हुकूमत चलती थी। जहां बेचारे पिताजी कुछ नहीं कर सके, अब भैया भाभी की कौन सुनेगा? लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। कैसा अपना घर, मैं उस घर को हमेशा के लिए भूल चुका हूँ। नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं सिर्फ उस ईंट पत्थर के मकान या उनके धन दौलत के बारे में ही नहीं कह रहा। जरा उन जिंदा इंसानों के बारे में सोचिए जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते, जो अपने मन को मारकर जो दिखता है उसे देखते और सहते रहते हैं। मैं पूछता हूँ ये सब कितने दिन तक चलता रहेगा? सुखलाल काका, मेरे भी कुछ, मेरा तो खून का रिश्ता उनके साथ। मैं भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन माँ की मर्जी के बिना किसी को चलती है। कितनी बार भैया भाभी से कहा गांव छोड़कर यहाँ चले आओ, और तुमसे भी यही कहता हूँ, वो घर इंसानों के रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं रहते हमारे साथ? क्यों रहूं तुम्हारे पास? एक तरफ खून का रिश्ता भी कहते हो और दूसरी ओर उनसे संबंध भी रखना नहीं चाहते। मैं नौकर हूं, उस घर का नमक खाया है मैंने, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, जाता हूं। सुखलाल काका। नहीं बिटिया नहीं, बड़ी आस लेकर आया था। ठीक है, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। उन जिंदा इंसानों के बारे में सोचिए जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते। सर पर सेहरा देखने की मेरी और तुम्हारी भाभी की इच्छा मां के गुस्से के नीचे दबकर ही रहती है। दुर्गा उठ चुकी? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? एक बात पूछूं? पूछो। मेरी बात मानोगे? अरे बाबा, कौन सी बात है जो नहीं माने, बोलो क्या बात है। वचन दो। दिया वचन। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या ससुराल? होश में तो हो तुम? बिल्कुल होश में हूँ। अपना इतना बड़ा घर है, परिवार है, फिर हम पराये लोगों की तरह उनसे अलग क्यों रहे? अचानक आज तुम्हारे मन में ये पागलपन कैसे घुसा रहा? अचानक नहीं, शादी से पहले ही मैंने सोच लिया था। शादी से पहले? यानी कि तुम अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहती हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? तुम समझते क्यों नहीं? सुखलाल के आंखों में छलकते हुए आंसू बार बार कह रहे थे,
कि उन जीते जागते इंसानों के बारे में सोचो। तुम्हारे भैया, भाभी और वीना की हालत सोच सोच के मेरे मन में हलचल मच रही है। हम आज जरूर जाएंगे, प्लीज। लेकिन ये सोच लो, मेरी माँ तुम्हें घर के अंदर कदम भी नहीं रखने देगी। मुझे विश्वास है, मुझे उनकी ममता और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ममता और आशीर्वाद मेरी माँ से? कुछ भी हो, हम जाएंगे, तुमने मुझे वचन दिया है। ठीक है, तो हम रिटर्न टिकट लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें हवेली की चौखट से ही वापस लौटना पड़ेगा। अभी चले? कल। कल? हाँ। तो भी ठीक है, अभी सोते हैं। भगवान, आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रही हूँ मैं, मुझे शक्ति दो, मैं उसे निभा सकूं। बेटी, जब तुम जाना ही चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन दिल कहता तुम ससुराल में सुखी नहीं रहोगी। पापा, शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस घर को सुखी बना सकूं। बेटी, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि अपनी सास की कठोरता को प्यार और ममता में बदल देने में सफल हो। बेटी, अपनी सास के दुख सुख को अपना दुख सुख समझना, उनकी सेवा करना, यही बहू का धर्म है। क्या हो बेटी? भाभी। प्रकाश, तुम? नमस्ते। अंदर मत आना तीजा जी, बाहर ही ठहरना। अरे पर राम राम छोटे मालिक, राम राम छोटी बहुरानी, राम राम सुखलाल काका, कैसे हो? राम जी की कृपा। अरे ड्राइवर भैया, जरा सामान तो उतरवाओ। जा जा बहुरानी, जल्दी जा। देवरानी, आज लक्ष्मी नई बहू के रूप में घर में पैर रख रही है। दुर्गा, धान से भरे हुए इस बर्तन को पैर से अंदर गिरा दो और उसे लांग कर घर में प्रवेश करो, ताकि तुम्हारा घर हमेशा अनाज से भरा रहे। शोभा, ये दरवाजे पर कौन पराये लोग आए हैं? पराये? पराये कोई नहीं है माँ, अपने ही हैं। शोभा, कह दे उन्हें, मैं उन्हें नहीं पहचानती। दीदी, उनसे कहो उनके छोटे बेटे आए हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी इस घर की बहू आई है। मेरा छोटा बेटा था, अब नहीं है। उम्र और रिश्ते को शोभा देने वाली बात मुझसे निकालिए माँ जी। सुना माँ, तुम्हें अकल सिखाने आई है। निकाल दे, निकाल दे इसे यहाँ से। बाप बड़े घमंड से कह के गया था कि मेरी बेटी तुम्हारे चौखटे पांव रखने नहीं आएगी, फिर क्यों आई है? उन्होंने कहा होगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं इस घर की नई बहू हूँ, इस घर में प्रवेश करने आई हूँ और करके ही रहूंगी। दुर्गा, बहुत तमाशा हो चुका,
अब चलो यहाँ से। नहीं, मैं इस रस्म को पूरा करके अंदर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये बात तो फिर मैं ही ठोकर मारती हूँ इस घर में आने की रस्म को। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। ऐसा अपशगुन ना कीजिए माँ जी, लक्ष्मी का अपमान होता है। कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। क्या कहा? मैं अपनी इज्जत का ख्याल करूं? चलती हो यहाँ से? नहीं माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपको मुझे अपनाना ही होगा। तो तू ऐसे नहीं जाएगी, धक्के मार के निकाल। चल हट, रहने दे इस ढोंग को। अरे वाह, पहले माँ का अपमान अब सम्मान। दीदी। माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, उसे भी साथ लेता जा, उसका यहाँ रहना मुझसे सहन नहीं होगा। मैं तो खुद चाहता हूँ माँ कि वो यहाँ ना रहे, लेकिन क्या करूँ, मानती नहीं। अच्छा, तो मुझसे झगड़ा करने के इरादे से आई है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन मेरे सामने टिकती है। अपना ख्याल रखना दुर्गा, मुझे तुम्हारी चिंता है। सोचता हूँ माँ के साथ तुम्हारी कैसे निभेगी। उसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। चिट्ठी लिखते रहना। रहने दो दुर्गा, ये क्या दीदी, तुम तो मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती। मैं भी तुम्हारी तरह ससुराल में आई हूँ। तुम तो दो चार दिन के लिए आई हो, तुमसे काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जो सारा दिन काम करती रहती हो, मैं तो सदा के लिए यहाँ की हूँ। मेरा क्या है, काम काज तो एक आदत सी बन गई है। मैं भी चार दिन में नहीं जाने वाली, ससुराल में रहने आई हूँ। क्यों अपना सुखी जीवन दुख में डाल रही हो? दुखों का सामना करने आई हूँ मैं। इस घर की घुटन में सांस लेती हुई अपनी बड़ी बहन का साथ देने। बहन दुर्गा बड़े नसीब से मिलती है तुम जैसी बहन। इस चार दीवारी में तुम्हें साथ पाकर लगता है बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू? शादी के दिन से आज तक आंसू ही बहा रही हूं।
आज पहली बार खुशी के आंसू छलक रहे हैं आंखों से। एक बात पूछू? पूछो। उनसे यहाँ के बारे में जानकर मैं ये सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम सासू जी के जुल्म सहती रही हो, दबने पे तो चीटी भी काट खाती है, क्या मन नहीं है तुम्हारा? है, लेकिन वो मर गया है। रहने दो, कुछ मत कहो, कहने दो, आज मुझे सब कुछ कहने दो। तुम्हें बताने से परसों से मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं क्या की छाया से मैं यहाँ रहने आई, मेरे माँ बाप की गरीबी का जिक्र माँ जी उठते बैठते करती रहती है, रोज ताने दिए जाते हैं मुझे। शादी की पहली रात थी, मैं जिंदगी की नई खुशियों के सपने सजाए उनके कमरे में जा रही थी। है वहां कहां जा रही है? अपने कमरे में जा रही है। पहले ये तो बता, तेरे माँ बाप दहेज के 30,000 रुपए कब देंगे? मैं कैसे बताऊं, पर उन्होंने कहा तो है दे देंगे। हाँ मगर कब? मरने के बाद? कान खोल कर सुन ले, जब तक दहेज के 30,000 रुपए नहीं आते तो मैं के नहीं जा सकती, उनके मरने पर भी नहीं। माँ जी क्यों ऐसी अशुभ बातें मुँह से निकालती है? जवाब देती है मुझे? खैर अभी बताती हूँ, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी मेरे सामने मुंह न खोल सके। माँ जी नहीं, माँ जी यार नहीं, माँ जी एक तो बिचारी घर की ऊपर से जबान चलाती है। मैंने सोच समझ कर पाँव पे दाग दिया है ताकि तुझे जिंदगी के हर कदम पर याद रहे कि मेरे सामने मुंह खोलने का क्या नतीजा होता है। जा अब कर अपनी गृहस्थी की शुरुआत। मैं रात भर उनके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोती रही। वो मुझे समझाते रहे, तसल्ली देते रहे, मगर उनमें माँ जी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। माँ तुम मेरी शादी कभी मत करना, ये तो मेरी सास ही मेरा पाँव जला देगी। पीना ऐसे नहीं कहते बेटी। दीदी अब मैं आ गई हूँ तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने, तन के और मन के भी। इस घर में अब और जुल्म नहीं होंगे। सिल्ली चल खाना परोस। बैठिए माँ जी, मैं खाना परोसती हूँ। क्यों उसके हाथ टूट गए हैं क्या? अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो क्या सारा काम शीला दीदी ही करेंगी? मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। देखा माँ, कर्नल की बेटी फर्ज से लेकर कर आई है। नहीं नहीं आई है ना, एक दो दिन नाटक तो करेगी ही। वो क्या देख रही है, चल जल्दी खाना परोस, भूख लगी है। तोबा क्या खाना है, दूसरी आई है तो पहली से भी गई गुजरी। अच्छा खाना हमारे नसीब में ही नहीं है। खा बेटी। अरे अरे दाल डाल ना। ये दाल बनाई है, पानी भर दिया है, कोई जायका ही नहीं। और ये भाजी, आधा तो नमक झोंक दिया इसमें। कोई जानवर भी मुंह न लगाए इस खाने को। खा। दीदी तुम भी बैठ जाओ, खाना खा लो। नहीं नहीं मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों, मैं परोस रही हूँ, बैठो। खैर ये हमारे साथ बैठ के खाएगी? क्यों नहीं, ये घर की बड़ी बहू है। बैठो दीदी। चलिए उठ वहां से। नहीं ये नहीं उठेंगी। तुम खाओ दीदी, फिकर मत करो। क्या कहा, मेरे खिलाफ भड़काती है उसे, बेशकर मेरी जेब मत। खाओ दीदी,
कल की आई बहू खेतों में खड़ी फसल का मुआयना कर रही है, बगीचों के पेड़ गिन रही है, कल किराए के मकान देखने जाएगी और परसों अपने हिस्से का नोटिस देगी। कमाल है, इसको अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? माता जी, हमें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मगर सच कहा जाए तो आपके लिए दिल मजबूर कर देता है। पिताजी ये चिट्ठी। हाँ बेटा, चिट्ठी किसकी है? आपके छोटे सुपुत्र की है, रानी साहिबा को लिखी है। हाँ सच पूछो तो पति पत्नी की चिट्ठी खोली नहीं चाहिए, मगर ये मामला तो कुछ कर छोड़िए, मालूम नहीं क्या क्या लिखा होगा। जरा खोलकर तो देखिए लल्ला जी, पता तो चले ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। नहीं नहीं माता जी, ये ठीक नहीं लगता, रहने दीजिए। इन लोगों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। शोभा खोल तो तू, पढ़ तो इसे। अच्छा माँ। अरे पप्पू तू यहाँ क्या कर रहा है, जा बाहर खेल। अरे ठहर बेटा, चल मैं तुझे लड्डू देती हूँ। ले बेटा खा। नहीं नानी मुझे भूख नहीं है। अरे खा ना, असली घी का है, ले खा। हाँ शोभा जोर से पढ़ ताकि हम सब सुन सके। मेरी जाने मन सपनों की रानी। तेरे लिए नहीं, उसके लिए लिखा है, आगे बढ़। अपने हर पत्र में मैंने तुम्हें वापस लौट आने को लिखा है, लेकिन तुम एक ही जवाब लिखते हो कि जिस इरादे को लेकर मैं यहाँ आई हूँ उसे पूरा करके ही लौटूंगी। लल्ला जी क्या इरादा होगा उसका? और क्या होगा माता जी, अपना हक साबित करना चाहती है, खेतों और बगीचों से शुरुआत की है। करने दो, मैं भी देखती हूँ आगे पर क्या लिखा है। हमारी माता जी का रूप तो तुमने देख ही लिया होगा, साक्षात महामाया है वो, हुकूमत और पैसे के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अरे राम 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 राम, देख लिया माता जी, ये बदला है माँ के एहसानों का। आगे पढ़, क्या कहते हैं हमारे कुलदीपक साले साफ। भगवान भी उनकी तंगदिली और जुल्मों को कम नहीं कर सकता, हमारी बड़ी है। रुक क्यों गई? आगे पढ़ना। आगे आप पढ़िए। हमारी बड़ी बहन सौभाग्यवती शोभा देवी आग में घी छिड़कने वाली ननद के फर्ज को अच्छी तरह निभा रही होंगी। ऐसी ननद मैके को कुरेदने वाली छछुंदर होती है। सत्यानाश जाए उसका, अपनी माँ और बहन की बुराई करता है। तौबा। आगे सुनिए, हमारे कर्तव्यगार होलसेल बुद्धिमान जीजा खुबचंद, मेरे ख्याल माता जी आगे आप ही पढ़िए। हमारे कर्तव्यगार होलसेल बुद्धिमान जीजा खुबचंद दी ग्रेट के बारे में मैं क्या लिखूं? इंसानों में भी जानवरों के कुछ गुण होते हैं, कुछ लोग तो गाय की तरह सीधे होते हैं, कुछ शेर की तरह शूर और दिलदार, लेकिन श्री खूबचंद जी मक्कार गिदड़ के किस्म के हैं। ये क्या करें माता जी, आप ये क्या करें? हम सभी का नाम मिट्टी में मिला रहा है कलमुआ, पढ़ूं क्या खास? नीचे मत फेंकिए माता जी, नीचे मत फेंकिए, कोई देख लेगा तो। दादी माँ चाची कहाँ गए हैं? जहन्नम में। दादी तुम ऐसा क्यों बोलती हो, मुझे भी भूख लगी है, तुमने पप्पू को लड्डू दिए ना, मुझे दो ना। रसोई में रोटी और अचार रखा है, जा खा मर। नहीं मैं रोटी अचार नहीं खाऊंगी, ये लड्डू चाहिए। लड्डू चाहिए, जा यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे लड्डू चाहिए। लड्डू चाहिए, लड्डू खाएगी, लड्डू खा।
दुख खाएगी। मगर मेरी बासू बच्ची को न मारी है। अरे वाह, एक तो लड़की पैदा करके हमारा सर नीचा कर दिया और ऊपर से जवाब देती है, किसने सिखाया मालूम पड़ता है। तुझे तुझे अभी ठीक करती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप माँ जी, इनका क्या दोष है? दीदी वीना को लेकर अंदर जाइए। तो मुझे रोकने वाली कौन होती है, तेरी ये हिम्मत? माता जी आप शांत रहिए, बड़े बूढ़ों को तो चाहिए कि अपना दिमाग शांत रखें। मैं पूछता हूँ क्या मामला है, क्यों दुर्गा देवी देख आई खेत बगीचे? हाँ। अब किराए के मकान भी देख लो, मकानों के नाप भी ले लो और किराए का हिसाब भी कर लो। हमारे घर के मामले में किसी बाहर वाले को बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये बाहर के नहीं, बाहर की तो तू है और कब्जा करना चाहती है। बता क्यों सिल्ली को लेकर खेतों पे गई थी? अपने आदमी और फार्म देखने, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं की मैंने। हाँ ठीक भी तो नहीं किया, माता जी की ओर से कह रहा हूँ कि ये लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये लक्षण ठीक दिखाई नहीं दे रहे, किसी दिन मुसीबत में डाल देंगे। हाँ दोताराम, तुम मैंने से शादी करना चाहते हो? यस सर, लेकिन सर शादी के बाद मैं आपके पास क्वार्टर में नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टर का दरवाजा छोटा है ना, इसलिए मैंने एक गैरेज ले लिया। ठीक है। काका तुम्हारी क्या राय? मैं क्या कह सकता हूँ छोटे मालिक, आप जो ठीक समझे मुझे मंजूर है। मैंने तुझे तो कोई एतराज नहीं? काका मैं तो तुताराम को अच्छी तरह से जानता हूँ, ईमानदार है, अपने पांव पर खड़ा है, मुझे पूरा भरोसा है ये मैना को सुखी रखेगा। तो बात पक्की कर दीजिए मालिक, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि कोई बड़ी शानदार शादी करूं, लेकिन उसकी फिक्र आप मत कीजिए, शानदार नहीं तो वजनदार शादी जरूर हो जाएगी। तो तुताराम मुबारक हो, आज तेरी लॉटरी लग गई और वो भी बम्पर सर। अच्छा ये ले। जी जी मैं दहेज नहीं लूंगा। नो मूर्ख, तुझे दहेज देगा कौन, ये मिठाई के लिए है। छोटे मालिक ये पैसे तो मुझे देने चाहिए। काका लड़की और लड़का दोनों की तरफ से मैं हूँ, इसलिए हक मेरा बनता है। जैसा आप ठीक समझे। चले मिठाई लेके आ और सबका मुंह मीठा करा। जी इसमें तो सिर्फ आधा किलो आएगा, कुछ और दीजिए ना प्लीज। मैं जाऊँ? जी जी आप। बाय बाय बाय। काका जी घर के क्या हाल है? वैसे तो कोई नई बात नहीं छोटे मालिक, मगर छोटी बहू के आने के बाद वो जो होलसेल दामाद है ना, वो जरा दबक के रहता है। आओ दीदी। दुर्गा कितनी खुश दिखाई देती है ये मछलियां, जब से तुम आई हो इन्हें भी वक्त पे खाना मिलता है। ये बेचारी बेजुबान है, इन्हें भी तो जीने का हक है, लेकिन इस घर में तो किसी किसी को ही जीने का हक है। जानती हो कल करवा चौथ है, औरत के जीवन का सबसे बड़ा त्योहार, लेकिन उसे मनाने का हक इस घर की बेटी शोभा को ही है। ये कैसे हो सकता है, हम भी तो सुहागने हैं, हम बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाएंगे, मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा करके गाना बजाना करेंगे। दुर्गा मैं जानती हूँ तुम्हारी ये पहली करवा चौथ है, बड़ी उमंगे हैं तेरे दिल में, मगर माटी के स्वभाव का कोई क्या करे, जिसके हृदय में दया नहीं उसके घर में खुशी कैसी। लेकिन दीदी वो ये भी नहीं सोचती इस त्योहार के दिन उनकी बहुएं उन्हीं की बेटों की लंबे जीवन की कामना करती हैं। माँ जी की आंखों पर अपनी बेटी और दामाद की तस्वीर चढ़ी हुई है, उनके अलावा उन्हें और कोई दिखाई नहीं देता, अपने बेटे भी नहीं बहुएं भी नहीं। कैसी माँ है ये, कैसी सास है। अभी आती।
या हमारे भी खाने का कुछ ध्यान है? आरंभ कीजिए। माता जी अपने हाथों से खड्डा खोदिए और नींव रख दीजिए। मेरे हाथ से क्यों लल्ला जी? कमाल करते हैं माता जी, मैंने तो इस फैक्ट्री का नाम पूज्य भवानी देवी माता सो फैक्ट्री रखा है। आखिर आपसे बढ़कर कौन है मेरे लिए? आप मुझे कितना सम्मान देते हैं लल्ला जी। माँ ये कह रहे थे अगर तुम मुहूर्त नहीं करोगे तो ये फैक्ट्री ही नहीं शुरू करेंगे। बिल्कुल माता जी, किसी लीडर या मिनिस्टर से नहीं, आपके हाथों से ही शुभारंभ होगा। खड्डा खोदिए। अच्छा, लल्ला जी आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पर ली है, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बतलाइए। नहीं माता जी, अभी तो 20,000 काफी होंगे, और जरूरत पड़ भी जाए तो इधर उधर से इंतजाम कर लूंगा कुछ भी। वाह लल्ला जी, मेरे होते हुए आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? मैं 25,000 भर देती हूँ, ठीक है ना? जैसी आपकी इच्छा। पेन माता जी, पहला चेक है 30,000 ही भर देती हूँ लल्ला जी। अब आपसे कैसी बहस, भला आपका हाथ कौन पकड़ सकता है? तेरी ये हिम्मत? माँ जी चेक पे चेक साइन किए जा रही हैं आप, कुछ तो सोच समझ के पैसे निकालिए। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये सब कुछ मेरा है, पैसे तो क्या सारी जायदाद भी दे सकती हूँ। जरूर दीजिए माँ जी, मगर आपके पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं ये तो देखिए। अरे वाह, मैंने खुद भूमि पूजन किया है, अपने हाथों से खड्डा खोदा है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये खड्डा आप ही के लिए खोदा गया है ताकि आप उसमें गिर जाएं और आपकी सारी दौलत लूट ली जाए। समझ रहा हूँ। पप्पू को बुला, इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। तेरे पति को दगाबाज और लुटेरा कहा जा रहा है। चलो चलो जल्दी करो। लल्ला जी मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, इस चुड़ैल की बातों पे क्यों ध्यान देते हैं? नहीं माता, चक्का टम्बाम बहुत बुरा होता है, वो कभी भी फूट सकता है। पप्पू बेटा इधर आ। भगवान के सामने अपने इकलौते बेटे के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आपके पैसे मैं सही रास्ते पर लगा रहा हूँ। जहरीली नागन, सीधे साधे आदमी पर इल्जाम लगाती है, शर्म नहीं आती? नीच, वो नहीं जाएंगे, तू नहीं चले जाएंगे यहाँ से, जाती है या धक्के मार के निकल। मैं आपकी आंखें खोले बिना इस घर से जाने वाली नहीं। चेक बुक भी ले गई माता जी, इस हालत में हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? बिना बेटी तो ठीक हो जाएगी। दिल्ली खाना बना कर रखना, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। माँ जी बिना की तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, मर नहीं जाएगी वो? बैठ गई बच्ची की बीमारी का बहाना लेकर, खाना बना कर रखना। माँ। हाँ बेटी। दादी मत, मैं हर रोज डांटती रहती है, इसलिए कि मैं लड़की हूँ। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत सोचा कर तू। माँ मैं मर जाऊँ तो दादी तुमसे नाराज नहीं होंगी ना? नहीं मेरी बच्ची, 2,000 साल जिए, मैं तेरे लिए सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ। बिना 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 तू बोलती क्या नहीं? बिना दीदी, क्या हुआ दीदी? बिना कुछ बोलती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। घबराने की जरूरत नहीं, डॉक्टर साहब आ गए हैं। बच्ची को बिस्तर पर लेटा दी। चलो चलो। बच्ची की हालत बहुत सीरियस है, इसे फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है। सुखलाल ये गरीबों में बांट दे। अच्छा माँ जी। लल्ला जी
या आपकी शादी के सालगिरह पर अंगूठी? शोभा बेटी, ये तेरे लिए और ये पप्पू राजा के लिए सोने की चेन। माता जी, जीते रहो जीते रहो। माता जी, आपने तो हमारी शादी की सालगिरह पर सोने से तोल दिया है हमें। ऐसी सालगिरह तो मेरी माँ ने भी कभी मनाई नहीं थी। अरे लल्ला जी, ममता और प्यार की कोई कीमत होती है क्या? अरे चिल्ली, खाना लगा, हम लोग आ गए हैं। देखो बेटा, नानी ने क्या दिया है तुझे। चलो ठीक है। माँ जी, खाना नहीं बना। क्यों? मैं तो सिल्ली से कहकर गई थी कि खाना तैयार रखे, और तू कर्नल की बेटी क्या कर रही थी? डॉक्टर आया था माँ जी, बिना को बुखार है, हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ पैसे चाहिए। ये सब तेरी होशियारी मालूम पड़ती है, कोई पैसे उसे नहीं। बच्चे के इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं है? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है उस पर? क्या हॉस्पिटल, क्या डॉक्टर, सारा घर सर पर उठा रखा है। जरा सा काढ़ा दे देती, ठीक हो जाती। अब तक वही पिला रहे थे माँ जी, डॉक्टर ने कहा मामूली बुखार नहीं है, टाइफाइड है। पैसे दे रही है ना आप? नहीं, हरगिज नहीं। हमने भी बच्चे पाले हैं, बीमारियां देखी हैं, लेकिन इस तरह फालतू उड़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। साड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, चेन अंगूठी बनवाने के लिए पैसे हैं, मगर एक मासूम बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं। माँ जी, वो भी आप ही की तो पोती है। बंद करिए बकवास। इतना ही उसके लिए प्यार उमड़ रहा है तो मंगवा ले अपने घर वालों से मनी ऑर्डर। मंगवा लेती मगर इतना वक्त नहीं है। पैसे दे रही हैं ना आप? कह दिया ना नहीं। माँ जी, आप पैसे दे रही हैं ना? नहीं। लल्ला जी, ये ₹500 लिए हैं। अरे राम राम, कितनी सर पर चढ़ गई है माता जी की, इतनी बेइज्जती। ले जा, डाल दे बच्ची पर कफन। डूब मरना चाहिए तुम्हें। सह जाता, अब नहीं सह जाता माता जी। बस अब तो हद हो गई, इतना अपमान होना था हमारा। तू शांत हो जा, बेचारी माता जी का क्या दोष है इसमें। मगर माता जी, अब हमें इजाजत दीजिए। नहीं नहीं लल्ला जी, आप क्यों जाएंगे इस घर से? वही जाएगी हमेशा के लिए। जीती जी तो माता जी वो इस घर से नहीं जाएगी, हमेशा के लिए उसे इस घर से निकालना हो तो इस दुनिया से ही उठाना पड़ेगा। माता जी वो औरत नहीं है, आग है, आग सारे घर को जला देगी। मैं क्या करूं? घबराने की कोई बात नहीं, बच्ची अब बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, सलाइन निकालो। यस डॉक्टर। और आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दवाइयां लिख देता हूं। दुर्गा, आज वीना जिंदा है तुम्हारी वजह से। ऐसे मौके पर भी माँ जी का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। दीदी, वो भी एक दिन जरूर आ जाएगी। जब बड़े ज्यादती करते हैं तो छोटे भी सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं चलती हूँ, माँ जी इंतजार कर रही होंगी।
माताजी उपाय मिल गया, किसी को सपने में भी शक नहीं होगा। ऐसा क्या उपाय? चकली का जहर, कुदरती मौत। अरे क्या जान लेना जरूरी है? उसको घर से निकालने का कोई और रास्ता नहीं? नहीं माताजी, जहर का इलाज जहर से ही होता है। आज उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, मुझे फिक्र है माता जी, कल वो आपके मुंह पर भी थप्पड़ मारेंगे। आप इसके लिए तैयार है तो बस चलने दीजिए जैसा चल रहा है। बोलो माता जी। माता जी देर मत कीजिए, कहीं वो आने जाए। डाल दीजिए, अब वो आ भी जाए तो। दुर्गा, वीणा आप कैसी हैं? ठीक है, डॉक्टर ने कहा अब डरने की बात नहीं है। बेटी, तूने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया। उस वक्त गुस्से में मैं न जाने क्या क्या कह गई, लल्ला जी को भी बाद में बड़ा पछतावा हुआ। हाँ दुर्गा, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना बेटी। माँ जी, अगर घर में सब सीधे रास्ते चलें तो इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं जाऊं माँ जी, बहुत नींद आ रही है। अरे वाह, कुछ खाए बिना कैसे सो जाएगी? माँ जी, आज मुझे भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? ऐसे खाली पेट नहीं सोते, थोड़ा सा खा ले फिर आराम से सो जाना। शोभा, एक कटोरी में खीर और भाजी पूरी ले आ जल्दी से। अभी लाती है। अच्छा माँ, अभी लाती हूँ। भाजी पूरी क्या खाए जा रही है? खीर खाना, देख कितनी अच्छी बनाई है मैंने। छिपकली, छिपकली? ए नहीं नहीं, अब कहाँ है छिपकली? थाली में। छिपकली भी छिपकली का साथ दे गई। क्यों तुताराम जी, ये बोलिया बिस्तर लेकर कहाँ चल गए भाई? मैं घर छोड़कर भाग के जा रहा हूँ। अभी भी तो तुम्हारी शादी हुई है। आप उसे शादी कहते हैं रामू चाचा,
इतनी मोटी बीवी मिली है, पैर दबाती है तो लंगड़ा कर चलना पड़ता है, मालिश करती है तो हड्डियां टूट जाती है, सर में तेल लगाती है तो बाल निकल जाते हैं। बस रामू चाचा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अब देखिए, आप किसी से कहिएगा मत कि मैं भाग के जा रहा हूँ। मैंने से भी नहीं, मैंने से तो बिल्कुल नहीं कहना। धन्यवाद, धन्यवाद। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। करना होगा, प्यार करना होगा।
बर्बादी, पता है कि फिर शादी, हाय हाय शादी है बर्बादी। सात जन्म तक तुझे न छोड़ू मैं भारत की नारी, नारी मैं भारत की नारी। हाय हाय ओ मेरी मत गई थी मारी, ओए दिल की दिल में रह गई क्या क्या जवानी सह गई, दिल की दिल में रह गई क्या क्या जवानी सह गई। देखो मेरा हाल यारो मोटी पल्ले बह गई, ओए मोटी पल्ले बह गई। माता जी क्या ढूंढ रही हैं? लल्ला जी मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं। आपने कहीं इधर उधर रख दी होंगी, जरा याद कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इस तकिए के नीचे ही रखी थी, यहीं पर हमेशा रखती हूँ। कमाल है, घर के घर में चाबियां गायब। अरे शोभा, ओ शोभा क्या है? अरे माता जी की चाबियां नहीं मिल रही है, तूने कहीं देखी क्या? नहीं तो, परमा तुमने उन दोनों से पूछा? तुम्हारी खोपड़ी में अक्कल है क्या, वो दोनों क्यों लेंगी? उस दिन दुर्गा ने चाबियां ली थी जरूर, मगर सबके सामने, और पैसे निकाले चाबी आपको वापस दी। मिल जाएंगे माता जी, फिक्र मत कीजिए, ढूंढते हैं। दीदी ये रंग तुम पर कितना खिल रहा है, जरा पहन के तो दिखाओ। दुर्गा ये तुम्हारी साड़ी है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? छोटी बहन हूँ ना, फिर ये फासला क्यों? ऐसी बात नहीं है। दुर्गा मेरी चाबियां नहीं मिल रही है, तूने तो नहीं ली? नहीं माँ जी। मैंने कहा था ना माता जी, दुर्गा को क्या जरूरत है चाबियां लेने की, चलिए उधर ढूंढते हैं। लो माता जी चाबियां मिल गई है। मगर इसके वक्त में कैसे आई, बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? मुझे नहीं मालूम माँ जी। छोड़िए माता जी, घर के घर में ही मिल गई है, बात का बाद में देखेंगे, आगे से जरा चाबियां संभाल के रखा कीजिए। चलिए चलिए। दीदी ये तो अच्छा हुआ माता जी चाबियां किसी बाहर वाले के हाथ में नहीं पड़ी, इसलिए तिजोरी खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? तिजोरी? हाँ वैसे अगर आपको शक हो तो खोल के देखिए, मगर मेरे ख्याल से तो दुर्गा ऐसी लड़की नहीं है। फिर भी माँ खोल कर देख लो तो अच्छा है। हाँ देख लेती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? राम 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 राम, दुर्गा तूने ये क्या किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। दुर्गा अरे दुर्गा इधर आ, देखी थे बोल गहने और रुपए कहाँ हैं? गहने और रुपए मुझे नहीं मालूम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये चोरी तूने ही की है। माँ जी क्यों दुर्गा पर झूठा इल्जाम लगा रही है, आप इतना भी नहीं जानती कि इसको जानबूझ कर फंसाया जा रहा है? तो चुप रह लल्ला जी, फौरन पुलिस को बुलवाइए, सब मालूम हो जाएगा। जाने दो माता जी, कुछ भी हो दुर्गा इस घर की बहू है, बाहर के लोगों को पता चलेगा अपने ही घर की बदनामी होगी। तो पूछिए इससे कहाँ है गहने और रुपए। मैंने कहा ना माँ जी मुझे कुछ नहीं मालूम। छोटी मालकिन ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दुर्गा देवी आप ही हैं ना? पर आप? हाँ यही दुर्गा देवी हैं, लेकिन आपको क्या काम है? जी मैं जवेरी बाजार का दलाल हूँ, कल शाम आप वो मंगलदास जवेरी के यहाँ अपने गहनों की कीमत निकलवाने आई थी ना, वहाँ शायद आप जल्दी में हार भूल गई थी। ये झूठ है माता जी, ये हार आपका ही है। हाँ लल्ला जी हाँ। झूठ सच का फैसला तो हो ही गया, बाकी क्या रह गया? फौरन पुलिस को बुलवाइए। हे राम।
पुलिस स्टेशन। हवलदार इसे रखो। तो आपको शक है कि आपकी छोटी बहू दुर्गा ने ये चोरी की है? बिल्कुल, इसी ने चोरी की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठा इल्जाम है। ये फैसला आप हम पर छोड़ दीजिए। दुर्गा देवी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा और आपको भी। जी। मैं अपना बयान देने के शक। चलिए। दुर्गा, मुझे डर था कि एक दिन तू भी इस घर की आग में झुलस जाएगी। आग में तो कोयला जलता है दीदी, लेकिन सोना और निखर आता है। तुम बेफिक्र रहो। मिसेस दुर्गा चौधरी को आपकी जमानत पे छोड़ा जा रहा है, और आप तो जानते ही हैं कि जब तक इस मुकदमे का फैसला ना हो जाए वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। इस पे दस्तखत कर दीजिए। दुर्गा, मैं जानता हूं तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझे इसी बात का डर था कि ये लोग तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। मुझे अपने लिए अफसोस नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि माँ जी को किस बेदर्दी से लूटा जा रहा है। लेकिन कब खुलेंगी माँ की आंखें? कब वो तुम्हें समझ पाएंगे? चलो वाह 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 माता जी, आज के लड्डू जरा ज्यादा ही मीठे लग रहे हैं। वीना इधर। क्या है दादी? ले लड्डू खा। नहीं खाऊंगी, तुमने मेरी चाची को पुलिस में पकड़ा दिया है, मैं नहीं खाऊंगी। चुड़ैल, करेगी क्या? मार रही है मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? इस कमबख्त को मैंने लड्डू दिया खाने को, वो लड्डू इसने लल्ला जी के ऊपर फेंक मारा। चीटी जितनी बच्ची अपनी दादी पर इल्जाम लगा रही है। झूठ क्या कह रही है? तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर दुर्गा को पुलिस के हवाले कर दिया। अरे वाह, तू भी मुंह खोलने लगी है। आज देखती हूँ कौन बचाने वाला है। मैंने कहा था ना, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर से जाऊंगी नहीं। चोरी का क्या, चाहे खून का इल्जाम लगा के देख लो। आओ दीदी। खून का इल्जाम। माता जी। हाँ लल्ला जी। माता जी, मैं शहर जा रहा हूँ, मैंने सोचा पूछ लूँ कुछ शहर से, मंगवाना तो नहीं आपको? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मंगवाना, लेकिन आप कब आएंगे? अब समय का क्या भरोसा माता जी, कभी काम जल्दी खत्म हो जाता है कभी देर भी लग जाती है। फिर भी काम खत्म होते ही आप फौरन लौट आइएगा। आपको तो मालूम है उस कर्नल की बेटी को पुलिस ने छोड़ दिया है, गहने और नकदी का अभी तक पता नहीं चल रहा है। माता जी, दुर्गा को तो जमानत पर ही छोड़ा है, आप फिक्र मत कीजिए, वो जरूर जेल जाएगी और आपका माल आपको वापस मिलेगा। माता जी, बाल बाल बच्चे, माता जी बाल बाल बच्चे। चोट तो नहीं लगी? न जाने अपने आप कैसे गिर गया। अरे तू तो जान लेने वाली थी, मगर ऊपर वाले की मर्जी, बचाने वाला तो बहुत बड़ा है माता जी। इन मछलियों की तरह अभी आप भी तड़प तड़प कर दम तोड़ रही होती माता जी। ये लल्ला जी, ये टैंक गिरा नहीं, गिराया गया है। माता जी, आप खत्म हो जाए तो आपकी सारी जायदाद अपने आप इनके नाम पर होने वाली है।
जब तक ये सब कुछ आपके नाम पर है तब तक आपकी जान को कदम कदम पर खतरा है। मेरी जायदाद के लिए ये मेरी जान लेना चाहते हैं। माता जी, आप अपनी जायदाद की वसीयत दूसरे और किसी के नाम पर लिख दें तो आपको कोई नहीं मार सकता। फिर मुझे मार कर उन्हें क्या मिलेगा? कल ही मैं वकील से वसीयतनामा बनवाऊंगी और सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। बस वसीयतनामा तैयार है भवानी देवी, लीजिए यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। आज से सारे घर की जिम्मेदारी आपके हाथों में है लल्ला जी। आप देखिएगा माता जी, मैं सबको रास्ते पे ले आऊंगा। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? काम पे नहीं जाओगे? अब रहा है क्या वहां अपना? मां ने खूबचंद के नाम वसीयत कर दी, उसका गुलाम बना दिया हमें। सब ठीक हो जाएगा। क्यों साले साहब? आज काम पर नहीं गए क्या अभी तक? हाँ, अगर नहीं जाना तो ठीक है, आज तुम्हारी छुट्टी। मगर साले साहब, मैं बैंक जा रहा हूँ, जरा जूतों पर पॉलिश तो कर दो। मेरे पिताजी क्या तुम्हारे नौकर है? वो क्यों करेंगे तुम्हारे जूतों की पॉलिश? अरे वाह, बाप में तो बोलने की हिम्मत नहीं है। खबरदार, छोड़ो मेरी बच्ची को। तो अपने पतिदेव से कहो मेरे जूतों पर पॉलिश कर दें। क्या ये करेंगे तुम्हारे जूतों पर पॉलिश? और कौन करेगा, सुखलाल को तो मैंने काम से निकाल दिया है। हाँ देवी, अब तो घर के झाड़ू बर्तन भी आपको ही करने पड़ेंगे। खूबचंद, मुंह संभाल के बात करो। वो तो मैं संभाल लूंगा, तुम जूता संभालो, पॉलिश करो। कमीने, क्यों रे? ये सब क्या हो रहा है? लल्ला जी पर हाथ उठाती है। माता जी, अपनी वसीयत वापस लीजिए, मुझे छुट्टी दीजिए बस। अरे नहीं नहीं लल्ला जी, मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर आपके नाम वसीयत की है। महेश, तुझे हर बात लल्ला जी की माननी होगी। ये क्यों नहीं कहते कि उसका हुक्म मानना होगा? हाँ, हुक्म मानना होगा। हुक्म मानने के लिए यहाँ रहने वाला कौन है? चलो वीना। हाँ चलो शीला, अब यहाँ नहीं रह सकते। कहाँ जा रहे हो? इस जेल खाने से बाहर आजादी की हवा में सांस लेने के लिए। अरे तो इसमें जाने की क्या जरूरत है? लल्ला जी कुछ गलत तो नहीं कहते? नहीं, वो हमेशा ठीक कहते हैं, तुम भी हमेशा ठीक कहती हो। आज तक अपनी आंखों के सामने पत्नी पे होते हुए जुल्म देखता रहा लेकिन कुछ नहीं कहा। बस बस अब और चुप नहीं रह सकता। चलो शीला। रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते। हट जाओ माँ जी, हमें जाने दो। चुप, जबान चलाती है मेरे सामने, मैं देखती हूँ तो कैसे जाती इस घर के बाहर। ये हुक्म देने का अधिकार आपने खो दिया है माँ जी। मेरे जिस पैर पर आपने दाग दिया था उसमें अब ताकत आ गई है, अब वो लड़खड़ाएंगे नहीं। तेरी ये हिम्मत? मेरे साथ चलिए, मेरा घर भी तो आप ही का है। सुखलाल काका। देखिए ना मत करना मालकिन, आओ बेटे, आओ मालिक। कौन है तुम लोग, क्या चाहते हो? तवेरी बाजार का दलाल तुम ही हो?
क्या बात? तुम्हें पता नहीं हवेली में हार तुम ही लेके आए थे? हार? कौन सा हार? नहीं मालूम सर, इसे कौन सा हार नहीं मालूम। नहीं मालूम? बेचारे को लग गए। नहीं मालूम। मालूम है? बता दो वो हार तुमसे खूब चलने दिया था। खूब चलने दिया था? हाँ। और बाकी गहने? बाकी गहने कौन से बाकी गहने? नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम। बताता या नहीं? अरे बता दो वो गहने तो खूब चलने केसर भाई के यहाँ पहुंचा दिए थे। भाई साहब, मेरा नाम भाई साहब नहीं पतंगा है। बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे किसी और से काम था। सुनिए, क्या मैं आपके काम नहीं आ सकता? नहीं भाई साहब, मेरा मतलब बहन जी, मेरा मतलब भाभी जी, पता नहीं मैं क्या कहूँ। कहो ना क्या काम है, शर्माओ नहीं। क्या केसर भाई से मिलना है? अरे हाँ, क्या आप उसे जानती हैं? हटो, मैं नहीं बताता। बताइए ना प्लीज। नहीं बताता। देखिए आप मुझे उनसे मिला दीजिए, मैं आपको भी खुश कर दूंगा। सच? हाँ सच। कितनी दूर से मिलना चाहते हैं आप? दूर से क्या मतलब? 20 फुट से मिलने का 20 रुपए और इस फुट से मिलने का 50 रुपए। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। जियो राजा। बचा सर, ये जो है ना केसर भाई का सेक्रेटरी है, मेरी तलाशी ले रहा था। केसर भाई का सेक्रेटरी? दो आदमियों का तो ज्यादा पैसा लगेगा। अबे ज्यादा पैसे के तमंचे, जानता है ये कौन है? कौन हो जी? CIT। CID? हाय अल्लाह। क्राइम ब्रांच? हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये ले अपने रुपए, मैं चली। अरे कहाँ चली अनारकली? केसर भाई से नहीं मिलवाएगी? नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? मालूम। तो चल। आप दोनों मुझे अकेले क्यों दबा रहे हैं? हाय अल्लाह छोड़िए ना, दो मुझे और मैं अकेली। खूबचंद? कौन खूबचंद? मैं नहीं जानती साहब। देखो केसर भाई, इस घर को हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर तुमने सीधी तरह से ये नहीं बताया कि गहने कहाँ हैं तो। अच्छा अच्छा, वो गहने? जी हाँ वो गहने। लेकिन वो तो खूबचंद लेके गया। सिस्टर ये CID है। देखो केसर भाई, अगर तुमने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसती रहोगी। तो ताराम, इसको हथकड़ी लगाओ। जी। नहीं नहीं साहब, मैं बताती हूँ। लेकिन साहब हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना, हम गरीब लोग हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हें साफ साफ बचा लेंगे। गहने मेरे ही पास है। गुड, मैं अभी लाती हूँ। अब तो दादा, तुम इसके साथ अंदर जाओ। मैं सर? थैंक यू सर, थैंक यू। ये लीजिए साहब। लेकिन साहब हमारा ख्याल रहे। रहेगा हमेशा रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। चलो। यस सर। लाओ गहने इधर लाओ। गहने? अच्छा सर, गहने दे दीजिए। लो भाई। अंदर कर दू। बट We'll be right back.
सर, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा किया। सर चलते हैं, एक मिनट है, जरा इसको ठंडा कर ले, मार 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 डी बेचारे को, ठंडा हो जाए ठंडा हो जाए। चलते चलते, एक मिनट है। क्या भग रहे हो, उन्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम, यहाँ सबको मारा, मुझे भी, शायद पुलिस स्टेशन गए हैं। अगर बुढ़िया को पता चल गया तो वो अपनी वसीयत बदल देगी। माताजी गहने मिल गए, गहने मिल गए, गहने मिल गए। हाँ जल्दी चलिए, मैं बताता हूँ आपको, जल्दी चलिए। गहने मिल कर दूंगा, माँ कहाँ है? माँ जी को तो खूब चल ले गया है, वो भी कह रहा था कि गहने मिल गए हैं। लेकिन गहने तो हमारे पास है। तो खूबचंद माँ को कहाँ ले गया होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, माँ जी की जान खतरे में लगती है। चलो कहिए माता जी, कोई तकलीफ वगैरह तो आपको यहाँ नहीं है ना? वैसे तो ये जगह बड़ी सुरक्षित और शांत है, वहाँ तो सब लोग आपके जान लेने पर तुले थे, इसलिए मैं आपको उनसे दूर लेके आया हूँ। अब उन कमीनों की सूरत भी आपको नजर नहीं आएगी। कमीना तो तू है, तूने तूने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकलवाया, तूने मेरी सोने जैसी बहुओं के खिलाफ मुझे भड़काया। क्यों क्यों मेरी पीठ में छुरा भोंका चंदाल? हाँ और किसने पाप ढाएगा? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। क्या भैया, खूब से जाने वाले को कहाँ ले गया है? उनकी जान खतरे में है। उन दोनों को तो मैंने गोदाम की तरफ जाते हुए देखा, चलिए। हाँ हाँ चलो। Thank you.
दुर्गा। डॉक्टर साहब, दुर्गा की अब कैसी हालत है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, सांप का जहर चूसने से जान को खतरा तो नहीं है ना? होंठ पर जख्म होने की वजह से जहर खून में शामिल होकर पूरे शरीर में फैल गया। प्लीज डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मेरी बहू की जान बचा लीजिए। धीरज रखिए, अगर आज की रात निकल गई तो फिर हम जीत गए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से अपनी बहू को देख सकती हूँ। भगवान, ये कैसा अन्याय है तुम्हारा, मुझ पापन बुढ़िया की जान से उसकी जान का सौदा मत करो। भगवान, दुर्गा तो निर्दोष है। भगवान, अपना फैसला बदल दो, अपना फैसला बदल दो। भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन दुर्गा को, मेरी बच्ची को, मेरे घर की लक्ष्मी को बचा लो। भगवान, बचा लो, बचा लो। भगवान, आउट ऑफ डेंजर, अब कोई चिंता की बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम बहुत एहसानमंद हैं आपके। डॉक्टर साहब, हमारे इलाज और आप लोगों की दुआ ने दुर्गा को एक नई जिंदगी दी। थैंक यू डॉक्टर। वो अब होश में आ रही है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। दुर्गा, 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 मेरी लक्ष्मी दुर्गा। माँ जी, दुर्गा, माँ जी, मेरी लक्ष्मी दुर्गा। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन सास हो सकती है? लक्ष्मी और सरस्वती जैसी बहुएं हैं मेरी। माँ जी, माँ जी नहीं, माँ कहो मुझे। तुम दोनों मेरी बेटियां हो। क्यों चिल्ली? अरे नहीं शीला, माँ, हर लड़की अपने मैके की छाया छोड़कर ससुराल में आती है। अगर माँ बाप की जगह सास ससुर ले ले तो ससुराल में मैके की कमी न महसूस। माँ जी, माँ जी, आपके जमाई राजा भी तशरीफ लाए हैं। भाग रहा था लेकिन मैंने पकड़ लिया। ले जाए ने बड़े घर। मुझसे क्या पूछते हो? दुर्गा से पूछो। बहुत अन्याय की है दुर्गा पर इसने। छोड़ दीजिए इन्हें। दुर्गा, तू तो सचमुच देवी है, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कहकर इस रिश्ते को छोटा मत कीजिए। मैं जिस इरादे से यहाँ आई थी आज वो पूरा हो गया। आपका आशीर्वाद मिल गया माँ। अब चले। कहाँ? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मेरी नौकरी का क्या होगा माँ? छोड़ दे नौकरी,
अब तुम सब मिलकर यहीं रहोगे और इस घर को संभालोगे सब मिलकर। ले बेटी। नहीं माँ जी, ये अधिकार तो आपका है, हमें तो सिर्फ आपकी ममता और प्रेम चाहिए।